Hello everyone, we are back with another video. This time it is the last part of our chapter Hotspot Biodiversity and hum log karenge segregation or unka separation of threatened species in different hamare parts mein. So already humne iske pehle bahut detail mein chapter upload kar diya hai, to so that ki aap log jaake wahan pe dekhiye, hame support kariye, pura video end tak dekhiye ya fir comment section hame apna doubt aur questions dono likh ke bhejiye. और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो भी लिख के हमें प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इसी के साथ. तो आज हम पढ़ेंगे हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी. अच्छा, तो हॉटस्पॉट क्या होता है? जैसे मैंने पहले सुना था कि हॉटस्पॉट मतलब कि जहाँ पे चीजें अभी गायब नहीं हो रही है, बहुत वहां पे डायवर्सिटी है. लेकिन रियल में हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है? ऐसी जगह वर्ल्ड में, वो ऐसी जगह जहाँ का हमारा 70% पार्ट ऑलरेडी गायब हो चुका है. बायोडाइवर्सिटी उसका ऑलरेडी खत्म हो चुका है. मतलब स्पीशीज, मतलब हमारी वैरायटी, प्लांट्स की वैरायटी, एनिमल्स की वैरायटी, सब गायब हो चुकी है. ओनली 30%, नियरली 30% बाकी है. तो ऐसी जगहों को हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं. हम नहीं, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर में, आपका सेंस बनेगा. तो 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर देयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो 34 ऐसे हाईली सेंसिटिव, मतलब जहाँ पे, अब आप मतलब समझते हैं कि जब मैं बता दिया कि 70% गायब है तो मतलब ये कितना सेंसिटिव है, इसलिए सेंसिटिव वर्ड का यूज किया गया. सच एरियाज हैड ऑक्यूपाइड वंस 15.7% एरिया ऑफ अर्थ. एट प्रेजेंट 86% ऑफ सेंसिटिव एरिया आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. समझिए, तो जो मैं 30 बोल रहा हूँ तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन और हो चुका है. 80 हमारा कितना गायब हो चुका है, 86% ऐसा गायब हो चुका है. प्रेजेंटली ओनली 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ हैज बीन लेफ्ट ओवर विद द सेंसिटिव स्पॉट्स. तो इसमें मतलब क्या, एक बार समझा देता हूँ आपको. एक सेकेंड, ये डिस्प्ले हो जाने दीजिए तो मैं आपको समझा दूंगा पूरा. तो आप लोगों को नंबर्स याद रखने की, नंबर्स आपको कैसे मैनेज करना है, एग्जाम तक आप लोग को मैनेज करना है इसे. देखिए, जैसे कि 34 क्या है, हमारे टोटल सेंसिटिव हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट. चलिए आगे का भी पढ़ ले सुधार के नंबर हमारे पास पूरे हो जाएं. अब उसमें से 2.3 इट इंक्लूड्स 1,50,000 प्लांट्स species which are 50% of world count. तो ये जो 2.3% area है, यहाँ पे 1.5 लाख अलग टाइप के प्लांट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड का 50% है. ठीक है, स्पीशीज बोल रहा है, पेड़ नहीं बता रहा, पेड़ के नंबर्स नहीं बोल रहा. आपको एग्जाम में लिखते हुए ध्यान रखना है कि ये स्पीशीज नहीं बोल रहा है, इतने टाइप के प्लांट्स हैं जो 50%. अगर वर्ल्ड में पूरे 3 लाख टाइप के प्लांट्स हैं तो हमारे जो ये हैं सेंसिटिव हॉटस्पॉट है, यहाँ पे सीधा आधा 50% है. तो इस बार लिख लेते हैं नंबर पूरा भी. हमारे पास 34 सेंसिटिव हॉटस्पॉट्स हैं. सिर्फ कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, और सो दैट कि आपको एग्जाम तक याद रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा ये क्रैम करते हैं और उनको लगता है कि क्वेश्चन क्रैम करने में इतनी मुसीबत है, कब 34 लिखना है, क्या 15.7% क्या है, 2. क्या है, 3%, ये सब समझ में आता है. लेकिन हम लोग एक बार पढ़ लेंगे कि 34 टोटल उसके पास हमारे वर्ल्ड में है सेंसिटिव हॉटस्पॉट. सेंसिटिव वर्ड का मतलब समझ चुके हैं, क्योंकि बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं. और यहाँ पे बायोडायवर्सिटी मतलब बहुत ज्यादा है. उसमें ये एक टाइम पे जब हम लोग बोलते हैं, जब इस 100% बायोडायवर्सिटी ज्यादा लॉस नहीं होती, ये 15.7% था. पूरे अर्थ अगर 100% है, उसका 15.7% एरिया पूरा इतना बायोडाइवर्स था एरिया, समझ गए. जैसे कि अगर ये करें, ये अर्थ को ऐसे स्क्वायर में हम बना लें, तो समझिए इतना जो पार्ट था हमारा पहले, ये इतना सारा पार्ट हमारा बायोडाइवर्स था, बहुत ज्यादा अच्छे से रिच था, इतना पार्ट था पूरा अर्थ का ये था. इसमें से 86% ये 15.7% का 18.6 ये एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये 86% इसमें से हैज बीन लॉस्ट, गायब हो चुका. अब कितना परसेंट है, सिर्फ 2.3% एरिया ऑफ अर्थ का बचा. जैसे कि मैं यहाँ पे को रेड कलर से दिखा देता हूं, अब सिर्फ वर्ल्ड में इतना ही बचा है. ठीक है, अब इतना एरिया, पहले 15.7 था,
अब 2.3% ही बचा है एरिया ऑफ द वर्ल्ड, समझ गए आप लोग। अब इस 2.3% एरिया में 150,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट हैं, एंड ये कितने हैं वर्ल्ड के 50% टोटल स्पीशीज हैं प्लांट के, ये पूरे वर्ल्ड की बात हुई इसमें, ये स्लाइड में हमने पूरे वर्ल्ड की बात की कि वर्ल्ड में क्या रेशियो है सर, समझ गए। तो नंबर से आपको सेंस बन जाएगा। देखिए मैं जानता हूं क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, इसलिए मैं आपको इतना प्रेशराइज कर रहा हूँ नंबर्स के लिए, अदरवाइज मैं नंबर्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करवाता आपको। और आप लोग टेंथ में देखिए, अब आप लोग टीवाई में जाएंगे, अगर मतलब हमारे थर्ड ईयर जैसे बोलते हैं ना डिग्री के जाते, तो वहां पे नंबर्स मैटर नहीं करते बहुत ज्यादा, लेकिन क्योंकि आप इनिशियल स्टेज ऑफ अपने स्टडी के हो तो आपको नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। तो आप भूल के भी कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस में नंबर्स को मत छोड़ना, जैसे कितने बोन्स होते हैं हमारे, कितने मिलियन टिश्यू, ये सब मैटर करता है, मिलियन की जगह बिलियन बोलोगे, बिलियन की जगह लैक्स बोलोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सेंस बनाना नंबर से। अब देते हैं इंडिया के बारे में, एज फार एज ये सेकेंड पैराग्राफ इंडिया के बारे में, एज फार एज इंडिया इज कंसिडर्ड आउट ऑफ 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 85 स्पीशीज आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न घाट नहीं बोल रहा, ध्यान रखिए ईस्टर्न रीजन बोला इसने, एंड अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट बोला, यहाँ पे अभी वेस्ट में घाट बोला है और ईस्टर्न रीजन, तो फल हम लोग समझ लेंगे क्या होता है। फिर एक बार और थोड़ा नंबर पढ़ लेते हैं, एंडेमिक का मतलब क्या होता है, ये प्लांट और एनिमल सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में मिलते हैं, जैसे कि आपका अल्फांसो जो अपना हापुस आम होता है, अल्फांसो मैंगो जो बोलते हैं हापुस आम, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में मिलता है। वर्ल्ड में भले लैब में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे कि हमारा नागपुर साइड हो गया, फिर हमारा राजापुर हो गया, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मैंगो मिलते हैं हम लोग को, तो ये सब फेमस है, रत्नागिरी के हापुस आम हो गए, ये सब यहीं पे मिलते हैं, ये एंडेमिक है महाराष्ट्र के रीजन को। तो उसी तरह से ऐसे जो हमारे 1500 प्लांट स्पीशीज हैं जो वेस्टर्न घाट में सिर्फ है, वो वहीं पे मिलेंगे आपको, कहीं और नहीं मिलेंगे। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक, मतलब उसमें से 50,000 तो सिर्फ इंडिया में, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हमारा 3 लाख था टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो पूरे वर्ल्ड में थे, उसमें से नियरली 50,000 सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, 1/6, सोचो वर्ल्ड का 1/6 प्लांट के स्पीशीज सिर्फ इंडिया में है। आप लोग को, हम लोग को क्या होता है, जब हम लोग छोटे रहते हैं ना, हम लोग को पता नहीं चलता कि इंडिया कितना बड़ा है और कितना, विश्वास माने कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी, एक टाइम पे तो इतना ज्यादा था कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, अगर अफ्रीका पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट मतलब बहुत बड़ा लैंड मास है, अगर हम अफ्रीका कंट्री में डिवाइड कर देना तो अफ्रीका में उतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं रह जाएगी जितनी कि इंडिया कंट्री के अंदर है। इंडिया सबसे रिच कंट्री हमेशा बायोडाइवर्स, हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल्स थे शायद ही वर्ल्ड में किसी के पास थे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जाके थोड़ा सा अपनी जिंदगी का आधा एक घंटा निकालिए और अलग अलग स्पीशीज देखिए हमारे इंडिया के, और जिसमें आपको हर एक, चाहे वो स्नेक हो, चाहे हमारा पांडा हो, इंडिया में रेड पांडा मिलता है जबकि हमारे चाइना में व्हाइट पांडा रहता है, ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं, जैसे कि ब्लैक कोबरा होता है जिसे हम किंग कोबरा भी कहते हैं, वो कितनी उसके बारे में रियलिस्टिक स्टोरीज बताई गई नेट पे, तो ये सब बहुत अच्छी चीजें जो इंडिया के बारे में अवेलेबल है। तो इंडिया आज भी बहुत रिच है, ऐसा नहीं कि इंडिया के पास बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन जो पहले थी बात वो बहुत ज्यादा हम लोग को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया पास्ट में, अब उतनी बायोडाइवर्सिटी अपने पास नहीं रह गई है, लेकिन जो जब हम लोग बोलते हैं ना, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब आज से 200-300 साल पहले इंडिया बहुत ज्यादा बायोडाइवर्स था, हर एक चीज थी हमारे पास। इसलिए आप लोग देखोगे हिस्ट्री में जब भी आए लोग इंडिया के पास आए, चाहे अलेक्जेंडर हो, चाहे हमारे आर्यंस हो, आर्यंस जो आए थे हमारे बोलते ना इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं उसको, या हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसमें जो आर्यंस आए थे वो भी वेस्ट से आए थे, हमारे बाहर से आए थे, प्लस हमारा जो भी बाबर बाहर से आया था, मोहम्मद घुरी बाहर से आया था, गजनी जो था वो बाहर से आया था, अलेक्जेंडर जो इतना उसके बचपन का एक सपना था कि उसके जो उसके बोलते ना गुरु लोग थे, उसके जो टीचर्स थे, वो बोलते थे कि देयर इज कंट्री इन द ईस्ट व्हिच इज हेवनली लाइक, की हेवन लाइक है वो,
तो वो बहुत सपना उसके मन में जस्ट बचपन से था कि एक बार तो मैं ईस्ट कवर करूंगा। तो वो करते करते वो इंडिया में आता। सोचिए लोगों के तब से सपने थे कि इंडिया को देखे बिना अगर मर रहे हैं तो मतलब आप हेवन को अर्थ पे देखे बिना मर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा नेट पे जो फोटोज जो अवेलेबल होते हैं वो हम जो दूसरी कंट्रीज के, तो हमारा टर्की हो गया, वहां के हम लोग बहुत सारे स्पॉट दिखाते हैं। अदरवाइज स्विट्जरलैंड जैसे कंडीशन आपको गुलमर्ग कश्मीर में मिल जाएगी। हमारे पास डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, हमारे पास कैक्टस जैसे जहाँ पे प्लानिकम वैसे सब रीजन अवेलेबल इंडिया के पास। इंडिया के पास आइलैंड है, इंडिया के पास बहुत ज्यादा बारिश वाला रीजन है, हर एक चीज है। हमारे पास ड्राई रीजन भी है, हमारे ब्लैक सॉइल है, येल्लो सॉइल है, रेड सॉइल है, व्हाइट सॉइल है, सैंड है, हमारे पास बीचेस है, एक चीज की भी कमी नहीं हमारे इंडिया के पास। सिर्फ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि कितने एनिमल होंगे। तो इंडिया की ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, इसलिए यहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो भी हद से ज्यादा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड यू शुड बी प्राउड। एक टाइम पे हमें जो लगता था कि जिसको हम लात मार के बोलते कि इंडिया क्या है, लेकिन एक टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि जिस चीज को हम लोग लात मार के या हम लोग जिसको धुतकार के नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो कितनी ऊंची दीवार है जो हमारे ना बोलने से हमारे धुतकारने से गिरने ही नहीं वाले। इंडिया सदियों से खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप लोग अभी भी नहीं बिलीव करते तो लाइफ के एक स्टेज में आप लोग जरूर इस बात में विश्वास रखेंगे। दो कुछ लोग इंडिया छोड़ के चले जाते हैं तो उसमें कोई नहीं, वो ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया कभी रोकी नहीं है किसी को। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा, ये हमेशा से हमारा रहा हुआ है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि डायवर्सिटी इंडिया की बहुत ज्यादा है। 1/6 प्लांट स्पीशीज सिर्फ इंडिया में ही है। एंड कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको बोलता है इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करें। तो क्या होगा, 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड जो हमारे इंडिया में टोटल 85 स्पीशीज जो थे सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न रीजन मिलते। ईस्टर्न रीजन मतलब क्या, ईस्टर्न घाट प्लस हमारा बंगाल का पार्ट प्लस हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हमारा ये सब जो मणिपुर, त्रिपुरा, ये से जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी जगह पर वो स्टेट्स। अगर आप लोग अभी भी जीवन में अगर एक बार सिर्फ जाके उन जगहों को देखिए, अनडिस्कवर्ड पार्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हो गए। जैसे कश्मीर में बहुत लोग जा रहे हैं अभी, जैसे कि जाहिर वैली, ये एक बार देखिए जाहिरो वैली, ये आप जब अरुणाचल में देखेंगे तो आपको मालूम पड़े कि नेचर सच में ब्यूटीफुल है। हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इंडिया में इतनी अच्छी जगह है। तो ऐसी जो है डायवर्सिटी एनिमल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो उसमें से 85 जो स्पीशीज है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न रीजन में मिलते हैं। जैसे कि वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाला जो बोलते हैं ना गेंडा, तो वो वन हॉर्न राइनो हमें सिर्फ मानस सेंचुरी और नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है आसाम के। चलो देखते हैं फिर। 3 इंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री हमारे इंडिया के, ये आ सकता है आपको इसके ऊपर लिखने को। तो 3 जगह से, तो हमारा एक है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट स्प्रेड्स ओवर स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला। लोग सब लिख लेंगे लेकिन तमिलनाडु को भूल जाएंगे। तो तमिलनाडु में भी है क्योंकि नीलगिरी हिल्स जो हमारा वेस्टर्न घाट का एंड पार्ट है वो लाइक करता है तमिलनाडु के अंदर। Has been endangered due to, ये क्यों खतरे में आया है देखिए, माइनिंग। मैं जैसे बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जैसे कि आपको जब पिछले लेक्चर में बता रहा कि हमारे यहाँ पे करप्शन प्रैक्टिस है प्लस बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम लोग कैसे इसको टैकल करें। खुद गवर्नमेंट करप्ट ना होकर भी बहुत सारे लोग अच्छा रहना चाहते हैं लेकिन क्या हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। डिमांड बहुत है हमारे यहाँ पे, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत हो गया है, तो लोगों की नीड प्रोवाइड करने के लिए हमको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। इसलिए हम जंगल को वापस से खोद रहे हैं या तो लकड़ियाँ तो हटा रहे हैं, वहां से बहुत सारे काम हो रहे हैं। एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस, जैसे आप सीएनजी जो गैस से भराते हैं उसको नेचुरल गैस का एक पार्ट है। हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लैंड जो गिर के जंगलों में होते हैं, वाइल्ड बाइसन ऑफ दिस रीजन हैज बीन अंडर थ्रेट, तो ये गायब हो जाएंगे कुछ दिन में। एशियाटिक लैंड को तो हम बढ़ा रहे हैं, ये देखिए एशियाटिक लैंड हर जगह है लेकिन एशियाटिक लैंड सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर है। आपको एशियाटिक लैंड कहीं नहीं मिलेंगे, आपको लायन मिलेंगे जैसे कि अफ्रीकन लायन है जो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो एशियाटिक लायन है जो बहुत क्रूअल रहता है, ज्यादा मोटा नहीं रहता, ज्यादा हैवी नहीं रहता और ये फुर्तीला बहुत होता है हमारा वाला लायन। तो ये जो लायन है सिर्फ इंडिया के हमारे गुजरात के गिर जंगल में है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट एक हो गया, दूसरा हो गया मानस सेंचुरी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनको भी डे, जैसे कि जो होता है ना हेरिटेज साइट भी बोला गया है। हेरिटेज साइट मतलब क्या, हेरिटेज मतलब हमारी जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जो डैडी और ये सब पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं तो अपनी जायदाद छोड़ के जाते हैं बच्चों के लिए, तो ऐसे ही ये हेरिटेज प्लेसेस। हेरिटेज मतलब क्या, ये हमारे इंडिया की बोलते हैं ना प्रॉपर्टी है जो हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को दिए हैं, तो हमारी जो प्रॉपर्टी हमको मिली है दैट इज
एशिया हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, ऐसे जगहों को हम लोग अनाउंस करते हैं, तो उसमें से एक वेस्टर्न घाट, एक मानस सेंचुरी देखिए ऑफ आसाम इज अंडर थ्रेट ड्यू टू, देखिए इसका रीजन क्या है, डैम्स वहाँ पे ब्रह्मपुत्र है ना एंड तो उसको पानी यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमको एग्रीकल्चर करना है, प्लस वहाँ पे हमें क्या बोलते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, प्लस हम लोग क्या करते हैं टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है वहाँ पे, तो इस सब चीजों से थोड़ा सा वहाँ पे इशू आ रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना किसी सोच समझ के हम लोग जो चीजों को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा चालू है हमारे इंडिया में। टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट, तो यहाँ के कौन से टाइगर राइनो, यहाँ के हमारे क्या थे एशियाटिक लायन और बाइसन, अब बचा सुंदरबन सेंचुरी, ये कहाँ पे है वेस्ट बंगाल में, ये कहाँ था आसाम में, और बस डिफरेंट कलर अवेल ने तो आपको बताया था, और ये कहाँ पे अवेल है, पांच हमारे स्टेट जो थे गुजरात महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु एंड केरला, रिजर्व फॉर टाइगर्स है ये, यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर्स द ग्रेट बंगाल टाइगर्स बोलते हैं, तो वो यहीं पे है। हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट इज सीरियसली चैलेंज्ड बाय द, फिर से यहाँ पे डैम्स डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, एक्सेसिव फिशिंग, वहां पे बोलते हैं ना वो बंगाली तो मछली खाते हैं वो लोग, जैसे कि बोलते हैं वो लोग अपने कि उनके इवन कल्चर में शादी में भी मछली ही दिया जाता है, तो इतना ज्यादा कल्चर का पार्ट है, तो उस वहाँ पे डिमांड भी फिश की बहुत ज्यादा है। ट्रेंचेस डग फॉर द सेम, ट्रेंचेस क्या मतलब, नदी को जब छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर दिया जाता है ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, तो नदी के पानी को ये लोग छोटे छोटे डिवाइड करके क्या करते हैं उसमें मछली पालते हैं, और ये जाके क्या होता है या तो ये सूख जाती है आगे, तो इतना ज्यादा जो पानी नदी में जा रहा था तो ये क्या हो जाता है, यहाँ वहाँ हमने आर्टिफिशियली ऐसे पानी को मोड़ के खत्म कर दिया, पूरा वजूद जो रिवर का नेचुरल जो पार्ट होता है वो हमने चेंज कर दिया है, तो ये सब दिक्कत है। तो वहाँ पर खतरे में कौन आ गया हमारा, टाइगर, ठीक है, तो आपको ये तीन याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग जनरली छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन आपको करना ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीशीज, थ्रेटन्ड स्पीशीज मतलब जो स्पीशीज खतरे में है, विच आर इन द डेंजर, इस हिसाब से कितना डेंजर है, मतलब क्या जैसे कि क्या कुछ लोग एक दो साल में ही मतलब 10 साल में अगले खत्म होने वाले, कुछ जो रहेंगे वो 20-30 साल में खत्म होंगे, कुछ जो होंगे मतलब वो और थोड़ा 30-40 साल आगे बाद खत्म होंगे, तो ऐसे करके इनको बांटा जाता है कि कब तक खत्म हो जाएंगे, कितना डेंजर है, कुछ लोग ऐसा कुछ कुछ तो ऐसे है कि जो अगले 5-6 साल में ही खत्म हो जाएंगे, जस्ट 5-6 साल, सोचिए आप लोग अगर 10th में हो, ग्रेजुएशन करके जाओ, ग्रेजुएशन करोगे 5-6 साल का और समझिए पोस्ट ग्रेजुएशन के, तब तक आपको मालूम पड़ेगा कि एक दो स्पीशीज जो आज आप पढ़ रहे हैं वो गायब हो चुकी होगी, तो इतना खतरनाक सिचुएशन चालू है। तो पहला है इनडेंजर्ड, दूसरा है रेयर, तीसरा है वल्नरेबल एंड चौथा है इनडिटर्मिनेट स्पीशीज, देखेंगे सबके बारे में पढ़ते हैं। आइदर नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइंड, नंबर बहुत तेजी से कम हुए, और देयर हैबिटेट इज श्रंक, सो हैबिटेट की बात करना है और इसमें एक नंबर की बात करना है। हैबिटेट क्या होता है, जहां हम लोग रहते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस का हैबिटेट है कि हम लोग यहाँ गार्डन रहती हैं, बिल्डिंगें रहती हैं और ऐसा हमारा हैबिटेट, इनका हैबिटेट क्या होता है, इनका हैबिटेट होता है ट्रीज एंड जंगल, तो इनका हैबिटेट मंकी जैसे यहाँ पे दिख रही है ट्री पे रहते हैं, तो क्या मालूम हम लोग ट्री की कटिंग, जैसे हमने देखा था ना कि ये जनरली आपको वेस्टर्न घाट में मिलता है वाइल्ड मैकेक, तो वेस्टर्न घाट में हमने देखा था एक्सेसिव माइनिंग हो रही, माइनिंग के लिए पहले फॉरेस्ट तो हटाना पड़ेगा, तो बंदर अगर ट्री पे नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, तो इनका जिस जगह पे रहते थे जहाँ इनका रहना सहना था वही खत्म हो चुका है, तो बेचारे रह नहीं पा रहे, ये दिक्कत। तो हैबिटेट का मतलब समझ चुके हैं, जहां पे हम रहते हैं जिसकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है, इट श्रंक टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब क्या, खत्म हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर इफ कंजर्वेटिव मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, अगर हमने बचाने की कोशिश नहीं की, गवर्नमेंट एनजीओ प्लस वहां के लोगों प्लस पूरी हमारी कंट्री के लोगों प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबको मिलकर बचाना पड़ेगा तभी ये लोग बच पाएंगे, सोचिए इनका ये धरती पे कुछ दिन बाद ये लोग दिखने ही नहीं वाले, इनका नंबर इतना कम चल रहा है, तो आज हम लोग जितना देख पा रहे हैं नेक्स्ट हमारी जनरेशन अगले 50-60 साल तो सिर्फ रोबोट्स देखने वाले वो लोग। तो लायन टेल मंकी अ लेसर फ्लोरिकॉन, लायन टेल जैसे कि वो इसका टेल देखिए लायन जैसा है पॉइंटेड, ठीक है, इसे लायन टेल मकेक बोलते हैं बंदरों को, तो यहाँ पे लायन टेल मंकी ये नाम आ गया। तो आप इंडेंजर्ड वाले में ध्यान रखिएगा, ई से इंडेंजर्ड हो जाएगा और एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो ई से ई याद रखेंगे अगर हमने कंजर्वेशन नहीं किया तो। अब चलते हैं रेयर स्पीशीज की तरफ, यहाँ पे भी नंबर की बात होगी,
number of these organism is considerably declined. हम इतना ज्यादा थे मतलब ये बहुत ज्यादा नंबर में डिक्लाइन हो चुका है. सेम पहली लाइन जैसे पहला हमारा जो पार्ट था, ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज स्पीशीज बीइंग एंडेमिक, ये देखिए, मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट. क्या होता है एंडेमिक का मतलब, मैं बता चुका हूं कि जो वहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते. वहीं पे क्यों मिलते हैं, कोई भी स्पीशीज सिर्फ एक ही रीजन में क्यों मिलती है, उसका मतलब क्या होता है, जो वहां का कंडीशन है वो कहीं और अवेलेबल नहीं है. अगर वो कंडीशन खत्म हो जाए तो ये स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी ना. यहाँ पे देखिए कंडीशन नहीं खत्म है, जो मैंने जो वाइल्ड मकैक के बारे में बोला, यहाँ पे कंडीशन है, हम फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं फिर से, इनको बचा सकते हैं. लेकिन ये एंडेमिक वालों का यहाँ पे, जैसे कि समझिए ये जो हमारा रेड पांडा आपको दिख रहा है, ये आपको दार्जिलिंग के रीजन में दिखाई देता है, तो वहां पे ना ठंडी बहुत अच्छी खासी रहती है, ठंडी रहती है बहुत अच्छी. प्लेयर हमारे जो पेड़ हैं वो हरे भरे रहते हैं, तो ये टहनियों पे आपको सोए हुए मिलेंगे हमेशा. तो अगर वहां पे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज इनसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत बढ़ते जा रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ते गए तो यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी और ये रह ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ये उसी कंडीशन के लिए बने हैं. इतना तेज ये लोग नहीं चेंज हो पाते जितना तेज से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये बेचारे खत्म हो जाएंगे. तो वही बोल रहा है एंडेमिक है. एंडेमिक क्यों है, क्योंकि वहां पे कंडीशन और कहीं वैसी है नहीं, तो इसलिए वो कहीं जो मिलते नहीं. अगर वो कंडीशन खत्म कर दी गई तो वो भी खत्म हो जाएगा. सो आप रेयर वालों को क्यों बोलो, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं और पाए नहीं जाएंगे, तो रेयर को आप फिर से एंडेमिक वर्ड से, क्योंकि ये और कहीं नहीं मिलेगा रेयर, और ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पे का एंडेमिक के बाद एक्सटिंक्ट है, यहाँ पे इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. एग्जाम्पल है रेड पांडा और मस्क डियर. अब वल्नरेबल स्पीशीज क्या होता है, मैं आपको इसका कोड भी दे दूंगा, सब सिर्फ आप लोग एक बार स्टोरी सुन लीजिए. Vulnerable species क्या होता है, number of these organisms is extremely less, बहुत कम है. ये नहीं बोल सकते कि बहुत तेजी से कम हुआ है, ये क्या बोल रहे हैं, देखिए decline बोलता है, हर जगह decline हो रहा है मतलब घट रहा है. इनका क्या है, ये कम है number में, मतलब बहुत सालों के मतलब उसके बाद भी ये उतने के उतने ही पड़े हुए हैं, तो ऐसे को बोलते हैं कि number कम है. दो इनका भी बहुत हुआ है पास्ट में बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अब रुका पड़ा है जो number कम है, ऐसा ध्यान रखना आपको. इनका क्या, इंडेंजर्ड का कम होते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है. रेयर वालों का होते ही जा रहा है, इनका क्या हो रहा था अब रुक गया, थोड़ा थोड़ा उतने पे ही स्टेबल या तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ऐसा है. सो नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूस टू डिक्लाइन. ठीक है, कंटिन्यूस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वरीसम रीजन. एन एग्जाम्पल इज टाइगर और लायन. तो टाइगर लायन का क्या हो रहा है, तो ये डिक्लाइन पास में बहुत तेज से हुए थे, अब इनके नंबर जो है प्लाटू जैसे जो स्पीड से कम हो रहे थे, या तो वो कम हो गए या तो स्टेबल हो गए. तो टाइगर और लायन के नंबर तो इंडिया में बढ़ रहे हैं, क्योंकि गिर में भी कोशिश चल रही है. पहले कुछ 400 थे, अब हो गए बढ़ गए, और टाइगर कुछ 2200 थे, लेकिन ये 3000 में कन्वर्ट कर दिए गए. तो हमारा नंबर हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, फिर भी अगर कंपेयर करें पहले के आज से जो 20 साल पहले की कंडीशन से बहुत खराब हो गई है. ठीक है, अब इनडिटर्मिनेट स्पीशीज, तो ये क्या होता है, जिसके कारण कुछ पता होता है नहीं हमको, तो वो उनके बारे में बात है. तो दीज ऑर्गेनिजम्स अपीयर टू बी इंडेंजर्ड, इनका हमको लगता है, क्योंकि ये क्या होते हैं ओपनली दिख नहीं रहे, मतलब क्या हमको लगता है गायब हो रहे हैं शायद से ये, लेकिन ड्यू टू देयर सम बिहेवियरल हैबिट्स लाइक शाइनेस, वो मतलब क्या होता है, कुछ एनिमल शाय रहते हैं, जैसे हॉर्स बहुत शाय रहता है, आप उसके पास जाओगे तुरंत भाग जाएगा, मतलब ये नहीं बांधा हुआ नहीं, जो आप लोग देखते हैं जो ट्रू फॉरेस्ट में होता है, वो एक रेयर साइट होती है कि किसी हॉर्स को आप उसके नेचुरल हैबिटेट में देखो और फिर वहां पे से उसको टच करें, क्योंकि जो हमारा बेयर ग्रिल था उसका एक सपना था लाइफ का कि वो एक हॉर्स को सिर्फ टच कर ले और उसके ऊपर सिर्फ बैठ जाए, उसके लाइफ का ये सपना था. तो सोचिए कितना रेयर बात है ये. सो देयर इज नो डेफिनेट और सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल जायंट स्पिरल, और जिसे बोला जाता है हिंदी में शेकरू. तो ये क्या है, इनका जैसे ना दिखना हमको लगता है कि ये शायद से कम हो रहा है, क्योंकि पहले ज्यादा दिखते थे और अब नहीं दिख रहे हैं. लेकिन अब जैसे कि और एक इनके साथ दिक्कत क्या है, ये शायल भी होते हैं, तो शायद से इनका हमको पता नहीं चला. अगर जाते हैं लोग इनका नंबर भी पता करने जाते हैं, ये छुप के रहते हैं, हमको दिखते ही नहीं, तो इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता. तो कुछ लोग बोलेंगे कैमरा लगा दो, कैमरा लगाने भी क्या होता है, ये झाड़ियों के बीच में घूम घूम के रहते हैं, तो कैमरा इतना अच्छे से पकड़ नहीं पाता है, या तो ये रात को निकलते हैं, तो रात को जो बोलते हैं ना कि इंफ्रारेड वो सब चलाओ, लेकिन फिर इनका टेम्परेचर वो सब बहुत अलग अलग होता है, इसलिए ये जल्दी पता नहीं चलता. ठीक, और जैसे कि टाइगर विगर के ऊपर जो जनरली पता कैसे, लेकिन इनके ऊपर जो पट्टे जाते हैं ना ऐसे ब्लैक मार्क्स,
वो आइडेंटिकल होते हैं, एक टाइगर के दूसरे टाइगर से मिलते नहीं है, तो इस तरह से उन्हें ध्यान में रखा था। लेकिन इनका क्या, रात को आप ये अगर कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता करना, तो पता ही नहीं कर सकते आप लोग इनके बारे में, ठीक है? तो बहुत सारी दिक्कत है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे याद रखेंगे। पहला हमारा जैसे कि देखिए ये क्या था, थ्रेटन स्पीशीज का, तो थ्रेटन स्पीशीज मतलब क्या था, उनका एंड हो जाएगा, तो एंड रवि याद रखिए आप। अगर हमारे हमारे कौन खत्म हो जाएंगे, अगर हमारे थ्रेटन स्पीशीज खत्म हो जाएंगे, स्पीशीज खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ह्यूमंस भी नहीं जीतेंगे रह पाएंगे, तो एंड हो जाएगा रवि नाम के ह्यूमन का भी। तो एंड से एंडेंजर्ड याद रखना सबसे पहले, फिर आर ए से रेयर, फिर वी से वल्नरेबल और आई से इनडिटर्मिनेट। अब इंडेंजर्ड वाले में क्या बोला था, नंबर इज डिक्लाइनिंग, एंड दूसरा चीज था ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हमने कंजर्वेशन के मेथड, इफ वी डिड नॉट डू नॉट अप्लाई एनी कंजर्वेशन मेथड। एग्जांपल क्या था इसका, हमारा लायन टेल, लायन की जिसकी ऐसी पूंछ थी, लायन टेल मकेक या मंकी, ठीक है, ये इसका था, या हम ले सकते हैं लेसर फ्लोरिकन। इसी तरह से रेयर में नंबर इज डिक्लाइनिंग वेरी हाई, बट दीज आर एंडेमिक एंड इफ प्रिकॉशन एंड प्रिजर्वेशन हैज नॉट बी डन दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। एग्जाम्पल क्या थे इनके, हमारे रेड पांडा, ये इसका एग्जाम्पल था हमारा, या मस्क डियर। वल्नरेबल का क्या होगा, इनका नंबर डिक्लाइन हो रहा है, ये हमको थोड़ा टेंशन में डाल देता है क्योंकि हमारे आंख के सामने है, प्लस इनका क्या हो चुका है, वरीसम है नंबर। एग्जाम्पल था हमारा लायन एंड टाइगर। चौथा है इनडिटर्मिनेट, जिसके बारे में हम ये इंडेंजर्ड हो सकते हैं क्योंकि ये दिखना कम हो गए, लेकिन एग्जैक्ट हमको पता नहीं कि कितने कम है, क्या कम है भी कि नहीं, या तो इनका लाइफस्टाइल चेंज कुछ नहीं, क्योंकि ये शाइनेस इनके अंदर रहती है। नाम है इसका, एग्जाम्पल है जायंट स्क्विरल, गिलहरी जिसे हम बोलते हैं, तो इसे हिंदी में बोलते हैं शेकरू। हो गया हमारा, ये हमने 4 मार्क का हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट देख लिया। अगर हमको बोलता है उनको डिवाइड करिए, एग्जाम्पल दीजिए पूरा अच्छे से इनके हम डिस्क्राइब करते, तो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको आंसर लिख सकते हैं। तो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें देखिए IUCN के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्म, क्योंकि 22nd मई को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे बोलते हैं, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, याद रखिए उसे। IUCN के बारे में मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए रेड लिस्ट जो मैंने बोला था, लिस्ट निकालती इसका गवर्नमेंट वेट करते, उसको रेड लिस्ट बोलते हैं। इसमें क्या दिखाता है, पिंक पेजेस रहते हैं देखिए इस पे, जिसमें इंडेंजर्ड जो स्पीशीज खतरे में उनके नाम रहते हैं, और ग्रीन पेजेस में जिनकी इंडेंजर थे पहले लेकिन अब कंडीशन उनकी सुधर चुकी है, ऐसे कलर में देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सिर्फ लग रहा हो कि इससे हमें क्या लेना है, लेकिन ये आगे चल के आप लोग को बहुत ज्यादा मैटर कर जाएगा। जैसे कि अभी के कंडीशन 2020 में कोरोना फैलने की वजह से लोगों को WHO के बारे में बहुत पता चल गया, कि WHO ने ये बोला, आप सब WHO की रिपोर्ट को ही फॉलो करते क्योंकि फेक न्यूज बहुत ज्यादा है, तो WHO के साइट पे आके पढ़ना शुरू कर दिया। तो सोचिए ऐसे ही एक दिन आएगा जब हमारा कंडीशन बहुत खराब, IUCN की लिस्टिंग का लोग वेट करेंगे कि इम्प्रूव हुआ कि नहीं। और ये वर्ल्ड वाइड फंड देखिए यहाँ पे, ये सर्वे इन 2000 उसके हिसाब से क्या होता, देखिए 30% ऑफ एनिमल स्पीशीज सिर्फ 35 ईयर्स में खत्म हो गए। और क्या बोलते हैं, अगर 30% गैप हुआ 35 में, तो ये सोच के हम लोग सोचते हैं कि अगले 70 साल में हमारे नियरली 70 साल में 60-90% हमारे खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, 70 अगले वाले 70 साल नहीं लगेंगे, ये और जल्दी खत्म हो जाएंगे। यहाँ 35 साल 30% ना, तो बोलते हैं कि अब अगली बार से 20 साल में 30% अगला गायब हो सकता है, तो बहुत तेज रेट से गायब हो रहा है। तो इसी सेंसिटिविटी के साथ, ताकि आप लोग भी नेचर की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखो चीजों को, जैसे कि अगर यूज ना हो तो उसे एक्स्ट्रा यूज करने को हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें हैप्पीनेस नहीं मिलता है, अल्टीमेटली हमको और डिजायर पैदा होता है। और जैसे बुद्धा ने बोला था कि सौरों का हमारे दुखी रहने का रीजन ही हमारा डिजायर है, तो डिजायर को हमें कम करना चाहिए रादर देन ट्रैवलिंग फ्रॉम एवरी टाइम। एक सिंगल आदमी कार में जा रहा है, उससे अच्छा है कि रादर देन वो मेट्रो कर ले, भले AC उसमें भी रहती है, इजिली जाए ट्रैवल करें, रादर देन सिंगल पर्सन जा रहा है सिर्फ रिक्शा से, 3 लोग जाए साथ में रिक्शा के, तो वो ऐसी चीजें हमें मैनेज करनी चाहिए और डेली पॉसिबल है। या आपको ये नहीं लगेगा कि आपके दोस्तों में आपकी शर्मिंदगी होगी कि ये पैसे बचा रहा है या बचा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
आपको अपने एम पे टिका रहना है कि नहीं, ठीक है ना, जिंदगी वैसे भी चल रही है सबको, सिर्फ थोड़ा सा ये पोल्यूशन बचाने में अगर आप बचा पा रहे हैं तो उसे एक एक करके, जैसे हमने बोला था मुलाई पाएंगे, एक आदमी से पूरा फॉरेस्ट तैयार हो गया, कई लोग मिलके मिटाना चाहे लेकिन नहीं कर पाते। इसी तरह आप एक छोटा चेंज करोगे और जितने लोगों तो ये वीडियो पहुंचेगा वो लोग भी अगर चेंज करेंगे तो एक दिन श्योर ये नेचर प्रिजर्व होगा, इस बात में बिलीव रखिए। ठीक है, तो तब तक के साथ, इसी के साथ आपका बाय बाय और हैव अ नाइस डे अहेड।